अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। आज सिस्टर किचन में मैं आपके साथ मरियम आतिफ बटेर ग्रिल की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझसे फरमाइश की है बनाने की। ये जो वायरस फैला हुआ है, ये इसमें भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, फ़ायदा करते हैं। और इसकी आप लोग यखनी बनाकर भी पी सकते हैं। यखनी उसी तरह बनेगी जिस तरह चिकन की बनती है, वही चीज़ें बटेर की उसमें डलेंगी इंशाल्लाह। यखनी की रेसिपी भी मैं आपको बहुत जल्द दूंगी। तो ये आज मैं बटेर ग्रिल करूंगी, वो अभी आपको दिखाऊंगी। उसके मसाले आप लोग नोट करें। ये मैंने तिक्का मसाला लिया है, 2 से 3 चम्मच इसके लिए बहुत हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च लिए, पिसी हुई कुटी मिर्च लिए, 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, गरम मसाला है, और 1 अदद नींबू है, और 2 से 3 चम्मच ऑयल के, और 2 से 3 चम्मच दही के लेने हैं। इन चीज़ों को सबको मिक्स करना है। मिक्स करती हूँ, ये देखिए मसाला मैंने सारा मिक्स कर लिया है। अब मैं ये जो बटेर हैं इस पर लगाऊंगी। ये ज़रा बटेर गर्म होते हैं, इस वायरस के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं, फ़ायदेमंद हैं। आप लोग ज़रूर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से, इसको मसाला लगा के। और मैं 1.5 घंटे के लिए रख दूंगी इसको, फिर इसको मैं ग्रिल करूँगी। इंशाल्लाह इसकी यखनी की रेसिपी भी मैं आपको दूंगी। मेरी आज सिस्टर इन लॉ ने मुझसे फरमाइश की थी कि मुझे आप जो है बटेर ग्रिल कर दो, मेरे मुंह का ज़रा टेस्ट चेंज हो। थोड़ा सा आज उनका चटपटा खाने को दिल कर रहा था, तो उनके लिए मैं आज ये बटेर तैयार करके भेजूंगी। ठीक है, ये मैंने मसाला लगा दिया। अब मैं इसको 1.5 घंटे के लिए, ये देखें व्यूअर्स, 1 से 2 घंटे हो गए हैं। अब मैंने इसको ग्रिल पे रख दिए, ग्रिल कर रही हूँ मैं, ये देख सकते हैं आप लोग। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे, रेडी होते हैं। तो फिर मैं आप लोगों को, ये देखें ये रेडी हो चुके हैं, कितना अच्छा कलर आया है। बस 2 मिनट और पकाएंगे, फिर इसको निकाल देंगे साइड इसकी चेंज करके। ये देख सकते हैं आप लोग, दोनों तरफ से एक जैसे ही पके हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, तकरीबन ये रेडी हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये मज़ेदार से बटेर ग्रिल तैयार हो चुके हैं। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली मेरी न्यू रेसिपी आप लोगों को मिलती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। ओके।